झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्रों की गोलबंदी देखने को मिल रही है और हजारीबाग से जो अभ्यर्थियों का जत्था है वो पदयात्रा करते हुए रांची पहुंचने वाला है और नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय का अभ्यर्थियों की ओर से घेराव किया जाएगा। उनकी जो मांगे हैं कि परीक्षा रद्द की जाए, इन मांगों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं जो सीजीएल की परीक्षा में शामिल थे वो सभी अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में सभी अभ्यर्थियों का आज जुटान होने वाला है और विशेष रूप से हजारीबाग की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हजारीबाग से पदयात्रा करते हुए जो छात्र हैं वो जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं हजारीबाग से, उनका रुख करते हैं। शशांक, हजारीबाग से अभ्यर्थियों की पदयात्रा शुरू हुई, आज वो पहुंचेंगे जेएसएससी कार्यालय और विरोध जो है वो एक बार फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इन तमाम चीजों पर गौर डालें शशांक, तो जो परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है, छात्र कहीं ना कहीं व्यापक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पहले देखिए, वो राज्यपाल से मिलते हैं जिसके बाद राज्यपाल संज्ञान में लेते हैं, आयोग को पत्र लिखते हैं, एसआईटी बनती है और अब देखिए वो पदयात्रा करके रांची पहुंचे हैं। अब क्या उनकी ओर से और उनको कितना सपोर्ट इस पूरे मामले में मिलता हुआ आप देख रहे हैं और वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए नवीन, जिस प्रकार से हजारीबाग से झारखंड सीरियल एग्जाम के 21 और 22 तारीख को जो हुआ था उसके तुरंत बाद से विरोध देखने को मिल रहा है, छात्रों का आक्रोश काफी है। छात्र यह आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार हजारीबाग के जैकेन जील स्कूल हो गया और धनबाद के एक स्कूल की बात वो लोग कर रहे हैं जहां पर क्वेश्चन पेपर सील खुले होने की बात सामने आई थी, छात्रों ने भी परीक्षा में ही विरोध दर्ज करवाया था और उसके बाद यह विरोध बढ़ता ही गया था। हजारीबाग में लगातार दो दिनों तक हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर निकले थे, मशाल जुलूस निकाला था, विरोध दर्ज करवाया था और उसके बाद जब जेएसएससी कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई थी और सबूत मांगा गया था तो हजारीबाग से भी छात्र रांची पहुंचे थे और रांची पहुंचकर उन्होंने सबूत झारखंड जेएसएससी सचिव को सौंपा था। छात्रों का कल यह भी आरोप था, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि जब उन्होंने जेएसएससी सचिव से मुलाकात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट आज जारी होने वाला है वो जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में उसे जारी कर दिया जाता है और छात्रों का आरोप था कि जैसे वो बात करके बाहर निकले कुछ ही घंटों के बाद उसे जारी कर दिया गया, जो कि आश्वासन के दौरान बातचीत के दौरान यह कहा गया था कि जब तक जांच प्रक्रिया चलेगी इसे अभी जारी नहीं किया जाएगा। छात्र यह भी आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने सबूत जो है एक सीडी में करके आयोग को दिया था और बाद में आयोग से फोन आता है कि वो सीडी ब्लैंक है, आप ओरिजिनल जो सबूत है वो आयोग को जमा करें। छात्र ओरिजिनल सबूत देने से डर रहे थे, उनका कहना था कि ओरिजिनल सबूत देने के बाद इसे भी गायब कर दिया जाएगा और इन्हीं सब बातों को लेकर जेएसएससी से इनका जो है विश्वास मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा था और इन्हीं सब चीजों को लेकर कल यहाँ से हजारों की संख्या में छात्र पैदल मार्च करते हुए रांची की तरफ निकल गए हैं। जब हमने इनसे पूछा कि आप रांची जाइएगा कितने दिनों तक वहां विरोध करिएगा तो इनका कहना था यह विरोध अब अनिश्चितकालीन होगा, जब तक इस पूरे सीजीएल एग्जाम को रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वह जेएसएससी कार्यालय के बाहर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे क्योंकि अब उन्हें आयोग को भरोसा नहीं रह गया है, आयोग जो बातें बोल रहा है वो उन लोगों के साथ नहीं कर रहा है ऐसा छात्र कह रहे थे। काफी संख्या में छात्र हैं, लगभग हजारों हजार की संख्या में छात्र हजारीबाग से पैदल मार्च करते हुए आज रांची पहुंच जाएंगे, रांची में अपना विरोध दर्ज कराएंगे और वहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। छात्रों का आक्रोश काफी है और आक्रोश सिर्फ सीजीएल एग्जाम को लेकर नहीं है, पिछले कई एग्जामों की भी वो बात कर रहे थे जो कदाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। वही आयोग का यह कहना है और सरकार का यह कहना है कि इस बार की जो परीक्षा है पूरे फेयर तरीके से ली गई है, कोई कदाचार नहीं हुआ है, तो छात्रों का यह कहना है कि इस बार भी है जो 8 साल के बाद और इसी साल दूसरी बार जो यह परीक्षा ली जा रही है फिर से यह कदाचार की भेंट चढ़ गई है और जो सेटिंग होना था वह हो गया है। छात्र कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, छात्र अपने साथ फिर से सबूत लेकर आयोग गए हैं कि अगर फिर से जरूरत पड़ेगा तो सबूत देंगे। छात्रों की जो एक मांग है जो कल कर रहे थे कि इस बार
जो है सबूत है, एसडीएम रैंक के अधिकारी वहां मौजूद होंगे, तभी वो आयोग को देंगे। मीडिया की रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है। आज हजारों की संख्या में छात्र रांची पहुंच जाएंगे, और जिस प्रकार से छात्र कह रहे थे कि अभी तो हजारीबाग से लोग जा रहे हैं, जब हम लोग रांची पहुंचेंगे और उसके बाद झारखंड के अन्य जिले से भी छात्र उनके समर्थन में पहुंच सकते हैं, तो एक बड़ी संख्या में छात्रों की पहुंचने की उम्मीद रांची में आज दिखाई दे रही। नवीन और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे और वही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात छात्र कह रहे थे। अब देखना है कि आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। नवीन, चलिए, तो आयोग पर निगाहें टिकी रहेंगी कि आयोग अभ्यर्थियों के मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया शशांक, कि सिर्फ जेएसएससी सीजीएल नहीं बल्कि कई परीक्षाएं हैं जिसको लेकर अभी भी असंतोष बरकरार है। जो भी परीक्षाएं राज्य में आयोजित हो रही हैं कदाचार की भेंट चढ़ रही हैं, और शायद यही एक प्रमुख वजह है कि छात्र इतने उग्र हैं, छात्र इतने आक्रोशित हैं, और पदयात्रा करके उन्हें विरोध दर्ज करवाने के लिए राजधानी रांची पहुंचना पड़ रहा है। विरोध का आलम इससे समझा जा सकता है, और इस पूरे मामले में जो असंतोष उनका जेएसएससी आयोग को लेकर देखने को मिल रहा है, उस पर आयोग किस तरीके से अमल करता है और अभ्यर्थियों को संतोषपूर्ण कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलती है, नहीं मिलती है, इन तमाम चीज़ों पर नज़रें बनी रहेंगी। नज़रें आज इस पर बनी रहेंगी कि जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं राजधानी रांची, उनके विरोध का क्या असर पड़ता है, और ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, और आज इसी कड़ी में जेएसएससी कार्यालय का छात्र घेराव करने राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि आज इस आंदोलन से, इस घेराव से उनके आंदोलन को और कितना बल मिलता है, कितना व्यापक रूप उनका आंदोलन लेता है।